सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं रजा खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल खान अनबॉक्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लेब्रा सिम अपने मोबाइल से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, असल में क्या होता है, आप सिम जब बाहर से लेते हो तो वो दूसरे के नाम अकाउंट पे सिम होता है, तो उसकी वजह से आपके सिम बंद हो जाती है और आपके मोबाइल के अंदर मैसेज आता है कि मैसेज के अंदर आपको बताया जाता है कि आप अपनी सिम को अपडेट करिए। तो अगर आपके पास ये मैसेज आया है तो आप अपनी सिम को रजिस्टर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको कि लेब्रा सिम को ऑनलाइन अपडेट कैसे करें, यानी रजिस्टर कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप जिस नंबर को रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद में आपको आईडी नंबर यहाँ पर डाल देना है, यानी अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेटर डाल देना है। नेक्स्ट लेटर मैंने डाल, बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपके मोबाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है तो आपको वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपसेर आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है, यूज़र नेम ऊपर डाल देना है यहाँ पर। तो चलिए मैं अपसेर आईडी का यूज़र नेम यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। अपसेर आईडी का पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर देना है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद में आपको ईमेल कोड यहाँ पर इंटर कर देना है, के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जो आपके अपसेर अकाउंट से मोबाइल लिंक है उसी नंबर पे आपके एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। मैं यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देता हूँ, वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इसके बाद में आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपका भी कॉन्ग्रेचुलेशन का यहाँ पे मैसेज आ गया है, आपका सिम अभी अपडेट हो गया है, यानी आपकी डिटेल अभी अपडेट हो गया और आपकी सिम अभी चालू हो जाएगी दोबारा। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी सिम को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सिम है या दूसरी की सिम आपके रजिस्टर नाम पे है तो आप अपने नाम पे ये सिम कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी सिम को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।